मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा कैशी फाई नामक स्टोर का शटर तोड़कर लैपटॉप मोबाइल की चोरी कर ली गई, जिसके बाद कैशी फाई स्टोर मैनेजर मृत्युंजय तिवारी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में मिठनपुरा थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से चोरी किए गए 2 लैपटॉप, 28 फाइल एवं 3 सोने का झुमका बरामद किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रात्रि में मिठनपुरा के थाना अंतर्गत क्लासिफाई स्टोर जो मोबाइल की खरीद बिक्री और लैपटॉप का काम करते हैं, उनके यहाँ से चोरी घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसके आधार पर मिठनपुरा में केस रजिस्टर किया गया था अज्ञात चोर के खिलाफ। इस घटना के उद्भेदन के लिए CDSP साहब के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई थी, जिसमें टाउन ESP लगातार काम कर रहे थे, जो मिठनपुरा के थाना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार वो और DIU के जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो भी, और उनकी पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। बहुत जल्दी ही इस कांड में इस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। 12 घंटे के अंतर्गत हम लोगों ने जो भी मोबाइल और लैपटॉप चोरी हुए थे उनको रिकवर किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम राकेश कुमार है और दूसरी उनकी माता है जिनका नाम हीरा देवी है, जो कि मोबाइल को छिपाने का भी काम करती थी और फर्दर इनको बिकवाने में भी उनकी मदद करती थी। इसमें कुल 28 की संख्या में मोबाइल हम लोगों ने जब्त किए हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ के हैं और काफ़ी महंगे मोबाइल हैं। इसके अतिरिक्त 2 लैपटॉप भी जब्त किए हैं और अभी इनसे फर्दर पूछताछ हम लोग कर रहे हैं ताकि और आगे इस केस में जा सकें। इसके अलावा जो इनका पूर्ववर्ती इतिहास है उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। इनके घर से चोरी के कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं, जिसमें 4 पीस कान के झुमके हैं जिनका वजन लगभग 6 ग्राम है। बाकी काम अभी इसमें जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ये मिठनपुरा थाना अंतर्गत के रहने वाले। पहले से इन लोगों का कोई गिरोह वगैरह है? नहीं, इनका खुद का आपराधिक इतिहास रहा है। ये 3 बार पहले भी चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और निश्चित रूप से एक गिरोह भी है, हम लोग उस पर भी वर्क आउट कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा चोरी किया गया था कि कोई और भी लोग शामिल है इसमें? नहीं, इस घटना में इनके ही शामिल थे। जो मोबाइल है वो कहाँ के है और किस तरीके से लाए गए थे इनके पास जो बरामद हुए हैं? मोबाइल है जो क्लासिफाई एक मोबाइल स्टोर है वहाँ से चोरी की। सारे मोबाइल चोरी किए हैं और उसको यूज? सारे मोबाइल। मुजफ्फरपुर 19 सूत्रीय मांग को लेकर मुखिया संघ ने समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं DM के माध्यम से PM, CM, डिप्टी CM, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपा। प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारियों में कटौती सहित अन्य मांग के खिलाफ 31 अगस्त तक हड़ताल व कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मांग में ग्राम पंचायत को जो 29 अधिकार प्रदत्त है उसे पंचायत को सौंपा जाए, ब्रेड़ा के मानक पर ग्राम पंचायत को स्वतंत्र रूप से काम करने देने, पंचायत सरकार भवन निर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को मिले, नल जल योजना का काम वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति को मिले, प्रतिनिधियों की वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की जाए, मुखिया को 10,000, उप मुखिया को 7,000, वार्ड सदस्य को 5,000 प्रति माह दिया जाए, जिला परिषद सदस्यों के वेतन भत्ते में वृद्धि की जाए। मौके पर मुख्य रूप से अवधेश प्रसाद गुप्ता, दिनेश कुमार, सुमन देवी ने अपनी बातें रखी। MLC दिनेश प्रसाद सिंह भी इसके समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। पंजाब के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश, प्रभात रंजन झा, सत्यनारायण यादव, आशा देवी आदि भी समर्थन में उपस्थित रहे। 500 दे रहा हो उसको भी मानदेय दीजिए, तो उसका बाद में मानदेय शुरू हुआ। अब हम लोग पूरे प्रयास में हैं, सम्मानित जो सम्मान लगे लोगों को उस अनुरूप वार्ड से लेकर के और जिला परिषद तक मानदेय में भत्ता में उचित बढ़ोतरी होनी चाहिए। अच्छा, पटना में जिस तरह मुखिया की हत्या हुई, अब हत्या तो किसी को कोई ठान लेगा ना किसी को कोई मार देगा, कोई मुखिया क्या विधायक के मार देगा, MPA को मार देगा, कोई क्या कर सकता है? कोई ठान ले कि उसको हमको हत्या करना है, उसका कोई जवाब तो है नहीं। सुरक्षा बिल्कुल मिलनी चाहिए, 100% बीच में एक बार